फैशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूट। इस सूट की हम कटिंग करने के लिए उससे पहले हम सूट का नाप लेना आपको बताएंगे कि किस तरह से आप सूट का नाप लेंगी। फ्रेंड, जैसा कि हमने ये सूट लिया है, हम इसका ही नाप लेके इसी के साइज का सूट बनाएंगे। इसका नाप पहले हम इसके सीने का नाप लेंगे इस तरह से, जैसा कि ये हमारा आ रहा है 20 इंच। ये हमारा 20 इंच आ रहा है, तो हम इसे पहले नोट कर लेंगे। अब हम इसकी कमर का साइज लेंगे, जैसा कि हमारा ये 18 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 18 इंच। अब हम इसकी सीट का नाप लेंगे। सीट जैसे कि हमारे ये जहाँ से चौक खुले हुए हैं यहाँ पर होती है, इसलिए हम यहाँ पर पहले इसका नाप ले लेंगे। जैसे कि हमारी ये 20 इंच आ रही है, अब हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। हम आधा इंच ऊपर की ओर छोड़कर इसकी लेंथ को नापेंगे इस तरह से। ये हमारा आ रहा है 35.5 इंच। अब हम इसकी आस्तीनों की लंबाई देखेंगे। आस्तीन की लंबाई हमारी आ रही है 14 इंच। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इस तरह से सारी इसकी जो डिटेल दिख रखी है, अब हम सूट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सूट का कपड़ा लिया हुआ है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको कटिंग करने के लिए हम इसको इस तरह से खोलकर, और जैसा कि हमारा ये सीधा पीस अंदर को है, तो हम इसे अंदर की ओर करके इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद जैसे कि हमें अपना दामन रखना है 20 इंच का, तो हम इसे 10 इंच इस तरह से रखेंगे। हम इस कपड़े को छोटा कर देंगे। अभी भी हमारा ये बड़ा है थोड़ा, इसको हम छोटा कर लेंगे। जैसा कि हमें ये 10 इंच यहाँ पे रखना है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये देखो यहाँ पर 10 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसे हमारा ये 12 इंच हो गया है। अब इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब इस पर हम टिक लगाएंगे। टिक लगाने के लिए पहले हम इसकी गले का टिक लगाएंगे। पहले सूट पर हम मुड्डे का टिक लगाने के लिए हम 6 इंच पर टिक लगाएंगे इस तरह से। हमने 6 इंच पर टिक लगा के और मुड्डे का टिक लगाएंगे। इसको भी हमें 6 इंच ही रखना है। फिर इसे हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब इस पर हम गले का टिक लगाएंगे। गले का टिक लगाने के लिए हमने 2.5 इंच ऊपर की ओर इस तरह से रखा है। इस तरह से हमें इसके गले की लंबाई रखनी है 7 इंच, तो हम 7 इंच पर इसका टिक लगाएंगे। और इसे भी हम एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। अब इसमें इस पे हम गुलाई दे देंगे इस तरह से। इस साइड को भी हम गुलाई देंगे। 1 इंच पर हम एक टिक लगाएंगे इस तरह से। हमने 1 इंच पर टिक लगाया है, अब इसमें हम गुलाई दे देंगे इस तरह से। हमने गुलाई दे दिए। अब एक टिक हम इस पे और लगाएंगे 1.5 इंच पर इस तरह से।
हम 1.5 इंच पर टिक लगाएंगे और 1 गुलाई इसमें और देंगे। इस तरह से हमने ये 2 गुलाई दे दी है इस पे। अब हम इस पे फिटिंग के टिक लगाएंगे। जैसे कि हमारी फिटिंग थी 10 इंच, तो हम ये 10 इंच पर टिक लगाएंगे। और कमर का टिक लगाने के लिए हम यहां से 1.7 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। और जैसे कि हमारी यहाँ पे कमर थी 16 इंच, तो हम 8 इंच पर एक टिक लगाएंगे। इस तरह से हमने 1.8 इंच पर टिक लगा लिया है। और हमें अपने जो चाक जहां से खुले रखने हैं वहां पर एक हम टिक लगा लेंगे। हमें यहाँ पर 15 इंच पर अपनी चाक खुले रखनी है, तो हमने 15 इंच पर टिक लगा लिया है। और हमारी कमर सीट की फिटिंग थी 10 इंच, तो हम यहाँ पर 10 इंच पर एक टिक लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक क्रॉस कट लगा देंगे। अब हम इन जो हमने टिक लगाए हैं इनको इस तरह से मिला देंगे। हम इनको इस तरह से मिला देंगे। अब हमें अपनी जो दामन की चौड़ाई रखनी है 10 इंच, तो हम 10 इंच पर एक टिक लगा लेंगे और इस मार्क को इसे मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का टिक हो गया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े के लिए टिक लगाएंगे। इस तरह से हमने 2 इंच पर टिक लगाया है, यहाँ पर भी हम 2 इंच। अब इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमने ये बाहर वाला एरिया काटा था। अब हम पीछे का पेस काटेंगे। पीछे के पेस काटने के लिए जो हमने मेरा दूसरा कपड़ा है इसको हम फैलाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये कपड़ा रखकर डबल फोल्ड रखा है। और आगे वाले पेस को हम इसके ऊपर इसी तरह से रख देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस पर टिक लगा लेंगे। टिक लगाने के बाद इसको हम इस तरह से हटा देंगे और इस क्रोसेरिया को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कट कर लिया है और जो हमारे आगे का जो पेस था इस पे हमने जो ये अंदर की साइड को टिक लगाया था उसे भी हम कट कर देंगे। इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम पीछे के पेस का गला काट लेंगे। इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 2.5 इंच और इसकी लंबाई हम रखेंगे 9 इंच। इस तरह से हम इसको एक डिब्बे का आकार देकर इस पे गुलाई दे देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। अब इस बचे हुए कपड़े से हम आस्तीन निकालेंगे। इस तरह से इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक राउंड और फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद हम इसकी लंबाई देखेंगे। जैसे कि हमें इसकी लंबाई रखनी थी 14 इंच, तो हम यहाँ पर 15 इंच इसकी लेंथ रखेंगे और इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस पर आस्तीनों के टिक लगाएंगे। जैसे कि हमारे ये खुला हुआ साइड है, इस साइड को हम 2 इंच पर एक टिक लगाएंगे और इस साइड से हम इस तरह से गुलाई देते हुए इसको इस तरह से मिला देंगे। और हमारी आस्तीनों की फिटिंग 5.5 इंच है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और इस टिक से हम इस टिक को इस तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, अब इस टिक को हम काट देंगे। जैसे कि हमारी ये आस्तीन कट चुकी है, अब हम सूट की सिलाई करेंगे। जैसे कि हमारे पीछे का गला कटा हुआ है, अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हमारा जो ये बचा हुआ कपड़ा था, मैंने सलवार कटिंग की थी उसका ये बचा हुआ कपड़ा, इसको हम इस तरह से रखकर और 1.5 इंच चौड़ी पाइपिंग की पट्टी काट लेंगे। इस तरह से हम 1.5 इंच पर टिक लगा लेंगे। इसे मिलाकर
हम इसको कट कर देंगे। जैसा कि हमारी ये पट्टियां कट चुकी हैं, अब इसको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारी ये पट्टी सीधी है और ये इस पट्टी भी सीधी है, तो इसको हम इस तरह से तिरछे पे रखकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमने ये पट्टी जोड़ ली है, अब इस पट्टी को हम इस पर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए इसको हम बराबर कर लेंगे और ये हमारा सीधा साइड है, तो सीधे साइड को हम इस तरह से पट्टी को रखते हुए और इस तरह खींचते हुए आधे इंच पर सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। इस तरह से लगाते हुए ले आएंगे। जैसे कि हमने ये पट्टी इसमें ज्वाइन कर ली है, अब इस पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह से हम इस पर कट लगा लेंगे। जैसे कि हमने कट लगा लिए हैं, अब इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग बनाने के लिए इस तरह से हम इसको अंदर की ओर पलटेंगे, इस तरह से, और इस तरह से पाइपिंग लगाते हुए इसके बीच सेंटर पर सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी ये पाइपिंग तैयार हो चुकी है, इसी तरह से हम आगे वाले पेज में भी पाइपिंग तैयार कर लेंगे। जैसे कि हमने आगे वाले पेज में भी पाइपिंग लगा ली है, अब हम आगे डिजाइन बनाने के लिए कपड़ा काटेंगे। जैसे कि इस कपड़े से हम पट्टियां काटेंगे। पट्टी की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच और लंबाई रखेंगे हम 26 इंच। इस कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। जैसे कि हमने ये पट्टी काट ली है, अब हम आगे वाले पेज पर इसकी झालर लगाएंगे। इस तरह से इसको रखकर और अंदर की साइड से प्लेटें डालकर इस तरह से हम झालर लगाते हुए ले आएंगे। लगा लिए, ये हमारा गला कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। अब हम इन दोनों पेसों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा पीछे का पेस है, इस पे रख के और इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इनके मुट्ठी जोड़ लिए हैं, अब हम स्लिप्स तैयार करेंगे। स्लिप्स में हम डिजाइन बनाएंगे, तो डिजाइन बनाने के लिए हम एक पट्टी कट करेंगे। जैसा कि हमारा ये सलवार का बचा हुआ कपड़ा था, तो इसकी हम पट्टी काटेंगे। इसको हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। जैसे कि हमारी ये 6.5 इंच की है, हमें पट्टी काटनी है 3 इंच की, तो हम ये 3 इंच का और 3 इंच का दो टिक लगा लेंगे और इन्हें इधर मिला देंगे। इस तरह से इनको मिलाकर कट कर लेंगे। जैसे कि हमने ये पट्टियाँ काट ली हैं, अब इसको हम डबल फोल्ड करके और इस तरह से इस पर तिरछी सिलाई लगाएंगे। इधर को हम इस तरह से तिरछी सिलाई लगाकर और इस तरह से सिलाई लगाते हुए ले आएंगे और इस साइड को हम यहाँ पर ये सिलाई उतार देंगे। यहाँ पर उतारने के बाद इस साइड को भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे तिरछा करके और इस तरह से लगाकर इधर को यहाँ पे उतार देंगे। इतनी बीच हम खुली छोड़ देंगे जिससे हम ये सीधा कर लेंगे। फ्रेंड, जैसे कि हमने ये सिलाई लगा ली है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। हम किसी स्टिक की सहायता से इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये स्टिक है, तो इसको हम इस तरह से सीधा करते हुए इस तरह से हमने सीधा कर लिया। ये हमारी जो खुली हुई जगह है, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इस पर प्रेस लगा लेंगे, जिससे हमारी पट्टी सीधी हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी ये दोनों हमने सीधी कर ली हैं और अब हम इनको बीच सेंटर पर बिल्कुल पकड़ कर कट कर लेंगे। जैसे कि हमने ये कट कर लिए हैं, अब हम अपनी स्लिप्स को पलट लेंगे। इस तरह से हमारी ये सीधी साइड है, तो अंदर की साइड को हम इस तरह से पतला पतला पलट कर और सिलाई लगा लेंगे। हम इस स्लिप पे डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हम इस साइड से 1.5 इंच पर एक टिक लगाएंगे इस तरह से, और इस साइड को भी हम टिक लगा देंगे और बीच सेंटर पर एक हम इस तरह से टिक लगाएंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे और जो हमने ये पट्टियाँ काटी थी, इस तरह से जिस साइड को हमारा ये जोड़ है,
उसको हम इस तरह से रखते हुए और यहाँ तक सिलाई लाके से इस तरह से उतार देंगे, और इस साइड को भी हम इसी तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हम इस पट्टी को रख के और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइनर स्लिप तैयार हो जाएगी। जैसा कि हमारी ये स्लिप तैयार हो चुकी हैं, अब इसे हम सूट में ज्वाइंट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि स्लिप्स को हम इसमें लगाएंगे, तो पहले हम इसके बीच सेंटर पर बिल्कुल कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको इस तरह से, ये सीधा भाग है और ये सीधा भाग है, इसको हम इस तरह से रख कर और इसे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देंगे, इसको भी और दूसरे स्लिप्स को भी हम ज्वाइंट कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आस्तीनें जोड़ ली हैं, अब इस पर हम फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग की टिक हमने पहले ही लगा लिए थे काटते समय, तो अब इस पर हम फिटिंग लगा देंगे। इस तरह से फिटिंग लगाते हुए जो कमर का टिक लगा हुआ है, यहाँ तक लगा लेंगे फिटिंग। दोनों साइडों को हम फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग लग चुकी है, अब इसकी हम चाक और नीचे का पेस पलट लेंगे। इस तरह से जैसे कि हमने नीचे 2 इंच छोड़ा था, तो 2 इंच हम इस तरह से पलट लेंगे, और साइड से भी हम जो हमारी ये चाक है उसको हम इस तरह से, जो हमारी फिटिंग है इसको लेते हुए इस तरह से पलट लेंगे। चारों तरफ हम इसी तरह से पलट लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि हमारा ये सूट तैयार हो चुका है। देखिए इसकी स्लिप्स और इसका नेक कितना सुंदर आ रहा है। देखिए हमारा ये सूट तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।